सर्वेषां योगिनाम् अपि यः श्रद्धावान्। सब योगियों में भी जो श्रद्धा भावना वाला। मद्गतेन अंतरात्मना माम, मेरे में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको। भजते समय युक्ततमा मत, याद करता है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। सर्वेषां योगिनाम् अपि यः श्रद्धावान् मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते समय युक्ततमा मत। भावार्थ, सब योगियों में भी जो दिल प्लस दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक, महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा मुझको याद करता है उसे मैं सबसे श्रेष्ठ दिमाग वाला समझू और दिल सहित भावपूर्ण योगी मानता हूँ। कोई मुरली में ऐसा कहते हैं दिल वाले बच्चे भी, और कोई मुरली में कहते हैं ज्ञानी का आत्मा मुझे सोचते, दोनों में अंतर है ना बाबा? ज्ञान तो बुद्धि का चीज है, दिल तो भावना भावना का चीज है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस होगा तो सफलता प्राप्त होगी, या सिर्फ दिल वाले बच्चों से ही सफलता प्राप्त हो जाएगी? दोनों चाहिए, भावना भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए और साथ साथ बुद्धि भी चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास भावना में बुद्धि का कुट नहीं है तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास हो जाएगा। और बुद्धि माने मति, जो मत है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत चाहिए, भ्रष्ट मत नहीं चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट भी होती है, मति भ्रष्ट भी होती है और बुद्धि श्रेष्ठ भी होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मति वाला है शिव बाबा, तो शिव बाबा की मति के आधार पर जो भावना वाले बच्चे हैं वो अगर उस आधार पर चलते हैं तो उनको जरूर सफलता मिलती है। बाबा, हाँ जी, मुरलियों में कभी आता रहा है बाप को बुद्धिमान, बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय है। बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय है ऐसे नहीं आता है, ये आता है बाप को ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है। फिर कभी आता है कि बाप को भावना वाली बच्चे बहुत प्रिय है, कौन से बाप को क्या प्रिय? ज्ञानी तू आत्मा जो है वो जानकार आत्मा है, जानने वाली है असलियत को, तो जो असलियत को जानने वाले हैं वो तो भगवान को प्रिय हैं, ये तो अच्छी बात है। बाकी जो बुद्धि का कमाल दिखाते हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि बुद्धि अच्छे रास्ते पर भी चलती है और बुद्धि उल्टे रास्ते पर भी चलती है। वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत तीखी है लेकिन अच्छे रास्ते पर चलती है या बुरे रास्ते पर चलती है, नुकसान का काम उनकी बुद्धि ज्यादा करती है। दुनिया की जिस डाल पर बैठे हुए हैं वो डालियां ही काटने का काम उन्होंने एटम बम बना लिया। एटमिक एनर्जी उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, शक्ति से वो सारी दुनिया का ध्वंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। निर्माण नहीं कर सकते नई दुनिया का लेकिन ध्वंस कर सकते हैं। और भगवान क्या करता है, भगवान की बुद्धि क्या करती है? भगवान बुद्धि माने मत, भगवान जो मत हमको देते हैं, जो बुद्धि हमको देते हैं, उससे भगवान और भगवान के बच्चे क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो कितना बड़ा फर्क हो जाता है, वो पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, सारी दुनिया का संहार करते हैं और हम नई दुनिया का भगवान की मत पर निर्माण करते हैं, तो भगवान को कौन से बच्चे प्रिय होंगे?
बच्चों में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भगवान से लेते हैं। वैज्ञानिकों में अपनी बुद्धि है, उन्हें भगवान की दरकार नहीं है। लेकिन बुद्धि कैसी है, तमोप्रधान है या सतोप्रधान है? तमोप्रधान बुद्धि है। वो तामसी बुद्धि होने के कारण भगवान बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता, ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है। सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे, दिल से आर्डर करो मेरा बाबा, तो बाप अभी अवश्य बांधा हुआ है, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और फिर दिल में कमजोरी भी रखो तो बाप सहयोग नहीं देगा। दिल साफ तो मुराद हासिल, क्योंकि किचड़े वाली दिल में बाप नहीं आता है। और इसने ऐसे याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो, सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया और प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल में फल नहीं निकलेगा, अर्थात अनुभव नहीं होगा। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते हो तो सूखा गन्ना हो जाता है। भले कोर्स कराओ, भाषण करके जाओ, इनाम भी लेके जाओ, लेकिन दिन में चार चार भाषण करो और दिल का स्नेह नहीं दिया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि बाप से दिल के स्नेह की निशानी है हर ब्राह्मण परिवार से स्नेह। अगर ब्राह्मण परिवार से स्नेह नहीं तो माया के बिगन जाता आते रहेंगे, क्योंकि पानी डाला ही नहीं है तो फल कैसे मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान तो समझ गए हैं, बाबा से सर्व संबंध भी है, लेकिन हमें अनुभव तो कुछ नहीं होता। अनुभव फल है, सूखे ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो, बाप का स्नेही तो परिवार का स्नेही स्वतः बन जाता है, क्योंकि बाप का समान बच्चा है ना, तो बाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को स्नेह की वृत्ति से देखते हैं, तो सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, स्नेही भी बनो, भाषण करने वाले नहीं भाषणा स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, हमारा बाप से दिल का स्नेह है
कि जिस समय स्वार्थ युक्त आवश्यकता होती है उस समय ही स्नेह जाता है। उनको कहेंगे ज्ञानी भगत। जोर से बोलो। हैं? जितना भक्ति करते हैं वो उतना ज्ञान। जो ज्यादा भक्ति करते हैं वो ज्यादा ज्ञान भी उठाते हैं। हाँ, ज्ञान से ही बाप को पहचानते हैं, पहचाना जा सकता है। और ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने सत्य की, सच्चाई की जानकारी ही जानकारी है। तो सत्य क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा सत्य कौन है? है एक शिव बाबा, एक सदगुरु निराकार, वो ही सत्य गुरु है। बाकी गुरु साहब झूठे हैं। तो जो एक सत्य है उसी को जानना है। हाँ, दूसरी तरह बोला है कि मैंने यज्ञ दान तप करने से मैं नहीं मिलता हूँ, उसी तरह बोला है कि मिलता हूँ मैं तप दान पुण्य से नहीं मिलता हूँ। हाँ, तो बाबा वो भी तो भक्ति हुआ ना, यज्ञ दान तप करना वो भी तो भक्ति हुआ ना। लेकिन बाबा ने कहा ना, भक्ति करने से ज्ञान। हाँ, तपस्या एक टांग से खड़े हो जाते हैं, उल्टे हो करके खड़े हो जाते हैं, वो तपस्या उससे नहीं मिलता हूँ। रुको, दान स्थूल वस्तुओं का दान देते हैं, झूठे झूठे ज्ञान का दान देते हैं, उससे भी नहीं मिलता हूँ। जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ। कैसे मिलता हूँ? भक्ति भावना से मिलता हूँ। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूँ। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूँ या व्यभिचारी भक्ति से मिलता हूँ? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अभिविचारी रूप में मिलता हूँ, और जो व्यभिचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड दो सेकंड, मिनट दो मिनट, व्यभिचारी भक्ति की होगी तो वो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति, भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से जो आसन लगाते हैं ना, तो क्या समझते हैं? ये योग है, योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है,
तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमार कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया, किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया। तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए। इसलिए नहीं किया कि ये तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े, नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा, उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा। असली बुद्धिमान बच्चे वो है जो बाप को पहचानते हैं, फिर भी बाप बुद्धिमान वालों बच्चों को पसंद नहीं करते, दिल वालों को पसंद नहीं करते, दिल वालों को ही ज्यादा पसंद। क्यों? बाबा तो कहते हैं, बाबा जानते हैं तुम बच्चों में कोई गुण है या नहीं है, लेकिन एक गुण तो है बाप की पहचान, जो दिलवाला है। ब्रह्मा बाबा दिलवाला है या नहीं? लेकिन बुद्धिवाला, बुद्धिवाला बाप को पहचाना नहीं? पहचाना बाप को, ज्ञानी बच्चे पसंद। जब बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप की पहचान दूसरों को दे सकेंगे? बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? नहीं। तो श्रद्धा भावना विश्वास ये भक्ति की चीज है ना बाबू? अंधश्रद्धा अंधविश्वास भक्ति की चीज है। जो ज्ञानी है उसमें श्रद्धा विश्वास भावना होना जरूरी है। रावण अंधा बनाता है, ज्ञान शिव बाबा से आता है। शिव बाबा तो सोजरा बनाता है। अंधश्रद्धा अंधविश्वास की तो बात ही नहीं। तो गीता में भी श्रद्धा वाला लभते ज्ञानं तत्परस्मि यतेन्द्रियः, ये भी है ना? तो कहने वाला कौन है? कृष्ण है क्या? फिर वो बात है। तो श्रद्धा अच्छी श्रद्धा भावना विश्वास, हाँ, तो श्रद्धा विश्वास कृष्ण के प्रति जागृत हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर कहने वाला तो भगवान है ना, जो कलातीत है। भगवान बाप तो सब आत्माओं से जास्ती सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। वो जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म राज समझाता है, और वो ज्ञान सबकी समझ में आ सकता है। गरीब हो, रईस हो, शरीर से स्वस्थ हो, बीमार धीमार हो, लूला लंगड़ा अंधा कोड़ी हो, सब कोई भगवान के ज्ञान को समझ सकता है। कोई जाति का बंधन नहीं, कोई धर्म का बंधन नहीं, कोई देश का बंधन नहीं, कोई समाज का बंधन नहीं। कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान के ज्ञान को सहज ही समझ सकती है। भगवान के लिए तो गाय नहीं है मुश्किल को सहज करने वाला, तो उसका ज्ञान मुश्किल कैसे हो सकता है? अगर कोई प्रयास करे तो जरूर समझ सकता है, प्रयास ही नहीं करेगा
इच्छा ही नहीं करेगा तो समझने की बात ही नहीं। इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं गीता में, उस गीता के ज्ञान को सहज ज्ञान और सहज राजयोग कहा जाता है। भगवान की याद तो बहुत सहज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सुखों का सागर है। जो सुखदाता कहा जाता है उसकी तो याद आनी चाहिए। रावण दुखदाता है उसको कोई याद नहीं करता, राम को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम कौन है ये पहचानते नहीं है। पहचान करके याद करेंगे तो प्राप्ति जास्ती होगी, बिना पहचाने याद करेंगे तो प्राप्ति नहीं हो सकती, अप्राप्ति भी हो सकती है, वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी हो सकता है, क्योंकि अंधश्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। जिसने जो सुनाया उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसे अंधश्रद्धा कहा जाता है। भगवान आकर के कोई अंधश्रद्धा नहीं सिखाते,